हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने 19वीं क्लास सॉल्यूशन की स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। इस क्लास के अंदर हम परासरण दाब के आधार पर बिलियनों को कितने भागों में बांटा गया है, ये पिछले टॉपिक में हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें मैंने बताया था अगर 2 बिलियनों के परासरण दाब, जैसे मैंने ऐसे बताया था कि अगर 2 बिलियनों के परासरण दाब, इसका ए है पाई वन माना था और ये विलियन दूसरा हमारा हो गया, इस विलियन का मैंने परासन विलियन बी माना था और परासन दाब पाई टू माना था। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि अगर पाई वन बराबर पाई टू हो तो ये विलियन हो जाएंगे सम परासारी विलियन। कैसे हो जाएंगे? सम परासारी विलियन, ये तो सम परासारी विलियन हो गया था, ठीक है। अब अगर मान लो पाई वन ज्यादा है इससे पाई टू से, यानी तो पाई वन यानी इसका परासरण दाब ज्यादा है, इसका परासरण दाब कम है, तो ये कब है? या फिर यूं लिख सकता हूं कि सी वन इज ग्रेटर देन सी टू, यानी ये इस विलियन की सांद्रता ज्यादा है, तो विलियन विलियन ए तो हो जाएगा कैसा? अति परासारी विलियन या अल्प परासारी विलियन भी हो, हाँ अति अति परासारी विलियन, क्योंकि इसका परासरण दाब क्या है? ज्यादा है। और विलियन बी क्या हो जाएगा? विलियन बी हो जाएगा अल्प परासारी विलियन, अल्प परासारी विलियन, ठीक है। तो विलियन ए अति परासारी हो गया, विलियन बी अल्प परासारी विलियन हो गया, ठीक है। अब किसकी सांद्रता, परासरण की क्रिया किधर से किधर होती है? कम सांद्र विलियन से अधिक सांद्र, तो यानी इधर से इधर होगी, कम सांद्र विलियन से अधिक सांद्र विलियन की ओर, या कम परासरण दाब वाले विलियन से अधिक परासरण दाब वाले विलियन की ओर। तो हम एक लाइन और लिख लेते हैं, परासरण की क्रिया, परासरण की क्रिया, ये तीसरी परिभाषा होगी, कम परासरण दाब वाले विलियन से अधिक परासरण दाब वाले विलियन की और होती है, ठीक है, यानी इस विलियन से इस विलियन की ओर होती है। ये भी एक, अब तीन परिभाषा होगी, परासरण की क्रिया विलायक की उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है, अर्धपारगम झिल्ली से होकर, परासरण की क्रिया कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की ओर होती है, परासरण की क्रिया कम परासरण दाब वाले विलयन से अधिक परासरण दाब वाले विलयन की ओर होती है, क्लियर। तो यहां से मैं आपको एक चीज और बता दूं, एक क्रिया होती है व्युत्क्रम परासरण, बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है व्युत्क्रम परासरण की क्रिया, ये क्या होती है? क्रिया का नाम है व्युत्क्रम परासरण,
या इसको हम बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस को शॉर्ट में, शॉर्ट वाला वर्ड ज्यादा फेमस है, आरओ। सभी के घरों में लगा होता है आरओ। ठीक है, अब आपसे पूछे भाई आरओ किस सिद्धांत पर काम करता है। तो आरओ किस सिद्धांत पर काम करता है, तो आरओ में क्या होता है, शुद्ध जल बनता है। ठीक है, यानी हम देखते हैं घरों में जो पानी आता है नल के थ्रू, ठीक है, वो होता है गदला पानी या फ्लोराइड युक्त पानी या लवणीय पानी होता है। कैसा होता है, लवणीय जल जो नल से आ रहा है। और फिर इसके बाद यहां होता है आरओ, और आरओ के बाद यहां हमको मिलता है शुद्ध जल। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इस विलयन की सांद्रता C1 मान लेते हैं और शुद्ध जल की सांद्रता C2 मान लेते हैं, तो बताओ सांद्रता लवणीय विलयन जल की ज्यादा होगी, तो इस विलयन का परावर्तन दाब भी π1 और इस विलयन का परावर्तन दाब π2। तो क्या कौन सा परावर्तन दाब ज्यादा हो गया, π1 ज्यादा हो गया। और परावर्तन की क्रिया होती है कम परावर्तन दाब वाले विलयन से अधिक परावर्तन, तो यानी वास्तव में तो परावर्तन की क्रिया इधर से इधर होनी चाहिए क्योंकि इसका परावर्तन दाब क्या है, कम है और इसका ज्यादा है। लेकिन आरओ क्या करता है कि परावर्तन की क्रिया को बदल देता है, इसलिए इसका नाम क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस, यानी परावर्तन की क्रिया बदल देता है। लेकिन ये कब संभव है, जब हम अगर आरओ यानी मशीन से इस पर परावर्तन दाब अधिक लगाएं, यानी जब लवणीय जो पानी का टीडीएस नापते हैं कि नहीं पहले कि भाई इसमें कितना पानी है, कौन सा आरओ काम करेगा, अगर हम उस लवणीय जल के परावर्तन दाब से अधिक दाब विलयन पर आरोपित करें तो परावर्तन की क्रिया उलट जाती है, अर्थात पर जल के अणु अधिक परावर्तन दाब वाले विलयन से अधिक सांद्र विलयन से कम सांद्र विलयन की ओर मूव करने लगते हैं, उल्टा उल्टा मूव करने लगते हैं, इसलिए इस क्रिया का नाम है व्युत्क्रम परावर्तन। तो परिभाषा हम लिख लेते हैं व्युत्क्रम परावर्तन की, व्युत्क्रम परावर्तन की परिभाषा यही लिख देता हूं मैं, परासरण के विपरीत विपरीत वह क्रिया जिसके अंतर्गत अंतर्गत परासरण परासरण दाब से अधिक दाब विलयन पर आरोपित करने पर जल के अणु उच्च सांद्र
विलियम से अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर झिल्ली से होकर प्रवाहित हो जाते हैं। व्युत्क्रम परासरण की क्रिया से लवणीय जल को शुद्ध कर पीने योग्य बनाया जाता है। आरओ प्लांट में यही काम तो होता है, आरओ प्लांट नाम दे दिया। व्युत्क्रम परासरण जब हमारे समझ में आया तो हमारी ये भी समझ में आया कि जितना भी वेस्टेज जल है, समुद्री जल है, उसको उसका परासरण दाब नाप लो और उससे ज्यादा मशीन के द्वारा परासरण दाब लगाकर उस पानी को भी हम लवण से शुद्ध कर सकते हैं। लवणीय जल से विलायक कणों किधर मूव करने लग जाते हैं, शुद्ध जल की ओर मूव करने लग जाते हैं। तो ये बेटा व्युत्क्रम परासरण की क्रिया होगी। तो आज हमने इस टॉपिक के चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को कंप्लीट कर लिया है विद क्वेश्चन। मैंने साथ साथ क्वेश्चन भी लिए हैं। व्युत्क्रम परासरण एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये एग्जाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक से